संसार में रहते हुए ही तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, स्वर्ग में रहकर तो तुम कर ही लोगे, संसार में रहकर ही पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करने का अर्थ होता है अपने विचारों की शुद्धि, अपनी मानसिक शुद्धि, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों की शुद्धि, ये आपका ब्रह्मचर्य में रहना है और उसके लिए तुम्हें ध्यान करना चाहिए। जब अपनी जननेन्द्रियों को सुकेड़कर शांत होकर के बैठोगे तो सहज ही तुम्हें ब्रह्मचर्य उपलब्ध हो जाएगा। विचारों को देखिए, जो कोई विचार आ रहे हैं, चाहे वो आपके मोबाइल के द्वारा आए हैं या किसी साहित्य के द्वारा आए हैं या कहीं बाहर के दृश्य के द्वारा आए हैं या मित्र आदि के द्वारा आए हैं, जो भी विचार आपको किसी के द्वारा आए हैं, बस उनको देखिए, उनको देखिए और पहचानिए कि क्या आप इस नरक में रहना चाहते हैं, क्या आप इस नरक में जीना चाहते हैं, क्या मिला है जिन लोग भोग में गए हैं उन लोगों को क्या मिला है। तो ये चीज़ विचार करिए और विचार करते हुए सहज ही आप जैसे लोहा लोहे को काट देता है, ऐसे ही आप, वेदांत कहता है विद्या से विद्या को प्राप्त करिए और अविद्या से विद्या को नष्ट करिए। ये संसार जिसे हम वासनाओं से भरा हुआ देखते हैं, इसमें मुझे लिप्त नहीं होना है। तो जैसे कीचड़ में कमल का फूल अलग हो जाता है, ऐसे ही आप संसार में रहते हुए सहज ही संसार से अलग हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य जबरदस्ती आप नहीं धारण कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर इंद्रियों का दमन करेंगे तो इंद्रियों की एक बड़ी पुरानी आदत है कि जैसे ही वो दमन आप करते हैं और वो तुरंत स्प्रिंग की तरह उछलेगा तो तुरंत ही आपको हरा देगा। आप जितना लड़ेंगे अपने मन से, अपने शरीर से, अपनी इंद्रियों से, जितना आप लड़ेंगे उतना ही वो आपको हराएंगे, आप उनसे जीत नहीं सकते हैं। इसीलिए आप समर्पण कर दीजिए भगवान के आगे और सहज हो जाइए तथा जागृत होकर के विचार करिए। अगर आप विचार में संलग्न हो गए और आपने देखा कि जिन वासनाओं के प्रति मेरा मन तथा इंद्रियां खींच रही हैं वो आखिर हैं क्या, तो आप सहज ही ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाएंगे। आप करके देखिए और ध्यान करने के लिए इस सूत्र को अपनाइए कि आप एकांत स्थान पर बैठिए, अपने मल मूत्र के द्वार जननेन्द्रियों को सुकेड़ करके बैठिए, ऊर्ध्वगामी अपनी कुंडलिनी को बनाइए, हथेली आकाश की ओर कर लीजिए, सामने एक दर्पण रख लीजिए, आँखों की पलकों को लगभग 70% बंद करते हुए केवल 30% ही आपकी आँखों की पलकें खुली रहें और उस समय दर्पण के सामने बैठकर इस प्रयोग को करिए। श्वासों को नाभि तक पहुँचने दीजिए, नाभि तक पहुँचने वाली आपकी श्वासें आपको मदद करेंगी कि आपकी मूलाधार में छुपी हुई कुंडलिनी की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाएं। और अगर आप अपनी जननेन्द्रियों को सब प्रकार से सुकेड़ कर बैठने में सक्षम हो पाते हैं, उन्हें ऊपर की ओर फेंकने में सक्षम हो पाते हैं, तो आपकी कुंडली सहज ही ब्रह्मरंध्र की ओर गति कर लेगी। सामने अगर शीशा रखा होगा तो समस्त इंद्रियां जिस वृत्ति को फेंक देती हैं और कुंडलिनी अपना मार्ग भटक जाती है, इड़ा में या पिंगला में चली जाती है, तो शीशे के कारण ऐसा नहीं होगा, दर्पण इसमें आपकी मदद करेगा और दर्पण के कारण आप सहज ही अपनी ऊर्जा को स्वयं में समेटने में सक्षम हो जाएंगे और आपकी कुंडली सुषुम्ना में ही रहेगी। कुंडली इड़ा या पिंगला में तब खसकती है जब हमारी दृष्टि या हमारी कोई भी इंद्रिय उस ऊर्जा को बाहर फेंक देती है।
श्वास नाभि तक पहुंचती रहे और सामने सीसा हो तथा मलमूत्र के द्वार सुकेर कर बैठा हो साधक, तो उसकी कुंडली ब्रह्म के मार्ग ब्रह्मरंध्र को बहुत शीघ्रता से सहज ढूंढ लेती है, सुषुम्ना में ही आगे बढ़ती है। आप इस प्रयोग को करिए। गुरु कृपा अगर आपके ऊपर है और गुरु का सानिध्य आपके पास है, सानिध्य है और विचार है तथा आपके ऊपर सदगुरु की कृपा है, तो सहज ही आपको ब्रह्मचर्य की ऊंचाई क्या होती है उसका ज्ञान हो जाएगा। और आपको ये रोकना नहीं पड़ेगा कि मैं विचार रोकूं, मैं अपने मन को साधूं, मैं अपने शरीर को साधूं, तो आप क्या क्या साधेंगे? ना आप इंद्रियों को संभाल पाएंगे, ना मन को संभाल पाएंगे, ना शरीर आपकी मानेगा, ना आप बुद्धि आपकी मानेगी, और एक बार आपको उस नरक में ले जाएंगे। आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका विचार तथा आपकी इंद्रियां, मन सहित सब शत्रु बन जाएंगे, तो आप अकेले बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए इन सबको शत्रु मत बनाइए, इन सबको मित्र बना करके आगे बढ़िए, तो आप सहज ही ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो जाएंगे। साधु।